बड़े सुंदर सुंदर उपदेश हैं सुभद्र गीता में, कितना ज्ञान भरा है। श्री महाराज जब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, कहा कि तो फिर कृष्ण कौन है? कहा वो भगवान है। कहा ये भगवान ये कौन सी विडंबना है? बोले जही देखो तही भगवान बीच में आ जाता है। बोले भगवान ने कर दिया, भगवान से हो गया, ये भगवान है, करता क्या है? ये भगवान करता क्या है? कहा भगवान चरवाहों की तरह लोगों को हयो हयो करके हांकता नहीं है। तो फिर परमात्मा की तुम भक्ति करो और एक भक्ति नहीं करता, तो फिर करता क्या है? परमात्मा कैसे क्रिया करता है? क्या भगवान की क्रिया का तरीका एक और है। नतु दंडे मादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तु रक्षमिच्छन्ति बुद्ध्यासं विविजन्ति तम। ये बुद्ध जी का उपदेश है। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को बताया कि ईश्वर क्या करता है। बोले ईश्वर यही करता है कि वो नतु दंड मादाय, जैसे चरवाहे लोग गायों को हांकने किसी खेत में जा रही हो तो डंडा लेकर के दौड़ते हैं, हयो हयो करके एक तरफ फटाते हैं। तो कहते हैं उसी तरह से जब भगवान आते हैं तो वो भगवान डंडा लेकर के हयो हयो करते हुए दिखलाई नहीं पड़ते। नतु दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो हाथ पकड़ करके नहीं उठाते। तो फिर क्या करते हैं? का यम तो रक्षमिच्छन्ति बुद्ध्या सम विभजन्ति तम। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, जिसका विनाश करना चाहते हैं, उसको वैसी ही बुद्धि की सप्लाई कर देते हैं। इसलिए बोले जैसे कि कोई फ्लाइट में जाना चाहता है, प्लेन में यात्रा करना चाहता है और उसकी कल की फ्लाइट थी, आज की फ्लाइट थी, तैयारी कर ली और आज सुबह ही कोई विशेष कारण हुआ, उसका मन बदल गया कि भाई अब आज नहीं, अब हम टिकट बन गया कोई बात नहीं, अब हम कल जाएंगे। और कल के फ्लाइट की उन्होंने कल के ऊपर छोड़ दिया, और कल जिसकी विचार नहीं था उसने आज ही मन बनाया, मेरा आज ही विचार हो रहा है, थोड़ा सा मैं बॉम्बे हो जाऊँ। तो जिसको जाना था वो नहीं गया और जो नहीं जाना था वो चला गया, और उस बीच में उस फ्लाइट का ऊपर क्रैश हो गया, फ्लाइट फूट गई, टूट गई, गिर पड़ी और जितने लोग थे सब खत्म हो गए। यम तो दंडमादाय, जिसको वो बचाना चाहता था उसको लास्ट टाइम पर उसने कोई काम दे दिया, बुद्धि दे दी, कहा रुक जाओ, और जिसको ले जाना था कहा जाओ तुम्हारी पधारो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम्हारी